गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 1 से 3 तक ऑलरेडी डिस्कस है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सारे सेट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी लूसेंट ऑब्जेक्टिव और मैथ्स के भी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये एक 7 सदस्यीय समिति थी। कुछ और समिति के नाम आपको याद रखने होंगे और उसके हेड का नाम आपको याद रखना होगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1909 के अधिनियम पर विचार करें। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो के सुधार के भी नाम से जाना जाता है। देखिए तो ये सही बात है, 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो यह भी सही है, 1909 के अधिनियम के द्वारा ही मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। बायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, यह भी सही है, और वो भारतीय थे जिनको शामिल किया गया था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको बायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने थे और उनको विधि सदस्य बनाया गया था। और 1909 के अधिनियम से और एक चीज याद रखिएगा कि इस 1909 के अधिनियम से प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्ती की कुंजी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह किस बाद में कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरुबूडी बाद, जो कि 1960 में हुआ था। देखिए बेरुबूडी बाद जो 1960 में हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। लेकिन ये जो बेरुबूडी बाद 1960 था, ये प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद आता है केशवानंद भारती बाद, और इसमें स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव से याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव से एक चीज और याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया गया और स्पीकर से मंजूरी मिल जाती है तो 10 दिनों के अंदर उस पर चर्चा करना आवश्यक होता है। तो यह भी याद रखिएगा कि 10 दिनों के अंदर उस पर चर्चा करना आवश्यक होता है, यह भी क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि जो मंत्री परिषद का निर्माण होता है उसमें मंत्री 15% सीटों के कुल 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था, तो ये हुआ था 51वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए और ऑप्शंस है 89 संविधान संशोधन। अगर हम बात 89 संविधान संशोधन की करते हैं तो ये भी 2003 में हुआ था और इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। अगर हम 90 संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये भी 2003 में हुआ था और ये रिलेटेड है असम विधानसभा में अनुसूचित जातियों गैर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये 2006 में हुआ था और इसके तहत शिक्षा संस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति OBC के दाखिलों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में किसी विषय पर केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, वो उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिता यानी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंदर ये आता है।
देखिए अगर हम बात अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत करते हैं तो देखिए भारत के जो सब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अब एक कोई कोई जस्टिस सुनाता है कोई फैसला सुनाता है तो उसको लेकर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वही है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मतलब भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील किया जाएगा उच्चतम न्यायालय में वही अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आता है तो आप लोगों को एक अनुच्छेद याद होगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। तो यही परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत यही आता है। लेकिन यहां से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो सुझाव देगा सुप्रीम कोर्ट वो राष्ट्रपति के विवेकानुसार है, मतलब वो उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लास्ट में है रीट अधिकारिता के अंतर्गत। रीट अधिकारिता के अंतर्गत आप लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रीट जारी कर सकता है और इसीलिए इसको मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा देखिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए हाँ बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए भी बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए बुलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थितियों में बुलाया जाता है। देखिए यहां से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां के अंतर्गत आती है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक वो राष्ट्रपति बुलाएगा। यहां से एक चीज याद रखिएगा और कि संविधान संशोधन के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुला जा सकती है क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों से उस बिल को पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों का सही मिलान करें। तो देखिए संघीय व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है तो ये इसके साथ मैच करेगा। फिर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है तो ये यहाँ से मैच करेगा। एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तो ये इसके साथ मैच करेगा। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है तो ये फोर्थ के साथ मैच करेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से याद रखिएगा इसमें कुल 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से एक चीज तो ये एकल नागरिकता याद ही रखिएगा, साथ ही साथ याद रखिएगा संसात्मक शासन प्रणाली भी है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार के साथ साथ याद रखिएगा न्यायिक प्रबलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारा चीज संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो है राष्ट्रपति, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। लेकिन अब बात आती है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर आप उसको बोल सकते हैं। यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में, कि अगर स्पीकर नहीं हो तो जब अगर स्पीकर की अनुपस्थिति रहेगा तब यह काम सौंपा जाएगा उपाध्यक्ष को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का उपस्पीकर। अच्छा अब एक चीज और बताइए कि अगर लोकसभा की स्पीकर और लोकसभा का उपस्पीकर दोनों अगर मौजूद नहीं रहेगा तब कौन अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, तब जो अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा वो करेगा कौन बताइए, ये करेगा राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो करेगा। अगर लोकसभा का स्पीकर और उपस्पीकर दोनों नहीं मौजूद रहेगा तब जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहेगा। अच्छा अब अगर उपसभापति भी अगर अनुपस्थित है तो, अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग की बात करते हैं तो इसको योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, क्लियर है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अभी तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श सीमा नहीं करता है। तो पहले तो देख लीजिए कि नेपाल से स्पर्श कौन कौन करता है। नेपाल से बिहार का सीमा स्पर्श करता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कुल जो 7 जिले हैं, यही 7 जिले बिहार के नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये जो पूर्णिया है वो सीमा नहीं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि किस कौन कौन से राज्य के साथ नेपाल सीमा बनाता है, तब आंसर हो जाएगा बिहार, यूपी, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों के साथ नेपाल जो है वो सीमा बनाता है। और भारत और नेपाल टोटल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री एक दूसरे के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंध्य क्रम का ये पठार का चट्टानों का विस्तार है। बिंध्य क्रम के चट्टानों की अगर बात करते हैं तो बिंध्य क्रम के चट्टानों का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश तथा यूपी होते हुए बिहार के पश्चिम क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.56% है। लेकिन एक देश की पर्यावरण के अनुकूलन टोटल 33% कम से कम वन आवरण होना जरूरी है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहा है भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन आवरण, तो अगर देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन आवरण पूछेगा तो हो जाएगा ऐसे 21.67%। लेकिन कुल वन और वृक्ष आच्छादन को मिला दिया जाता है तब हो जाता है 24.56%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.56%। भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल में जारी किया जाता है। हर एक 2 साल के गैप पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है। लेकिन होना चाहिए कितना, 33%। यानी अभी भी हम लोग अपने जो अचीवमेंट है हमारा 33% जो होना चाहिए उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और वन रिपोर्ट से याद रखिएगा, जो भारत में सबसे ज़्यादा वन है वो एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन ये अगर पूछ ले कि जितना क्षेत्र है उसका ज़्यादा भाग वन किसका है, तब आंसर हो जाएगा कि भूमि के हिस्सा का ज़्यादा वन अगर पूछ लिया जाए तब आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम क्या है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो है पेरिनीज पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। यह जो पर्वत है ये इबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। आल्पास पर्वत की अगर बात करते हैं तो यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अगर जूरा की बात करते हैं तो यह पर्वत जो है वो लगभग फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा के साथ साथ चलता है। ब्लैक पर्वत की बात करते हैं तो यह ग्रेट एप्लिसियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद है। स्थल रुद पहले समझते हैं कि स्थल रुद होता क्या है। तो स्थल रुद का मतलब एक ऐसा देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा सिर्फ स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, वैसे देश को हम लोग स्थल रुद देश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलेविया, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है वो एक स्थल रुद देश है। अगर बात एशिया महाद्वीप की करता है तो एशिया महाद्वीप से एक चीज याद रखिएगा, काजिकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा स्थल रुद देश है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक देखिए कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, सूची दो में आपको कैपिटल के नाम दिए हुए हैं। तो ब्राजील का कैपिटल कहाँ है, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ये इसके साथ मैच करेगा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, तो आप ये इसके साथ मैच करेगा। केन्या की राजधानी है नरोबी, तो ये इसके साथ मैच करेगा। और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, तो ये इसके साथ मैच करेगा। मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जोधपुर। ये बात कर रहा है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कि जोधपुर में सिचुएटेड है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। क्लियर है। जयपुर से याद रखिएगा, जयपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। हैदराबाद से याद रखिएगा, यहाँ सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। जबलपुर से याद रखिएगा, ये एमपी की संस्कार राजधानी भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। तो इनको संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग से याद रखिएगा, ये भारत मतलब हरित क्रांति के पूरे विश्व में इसको जनक माना जाता है। और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को।
नॉर्मन बोरो लोग से एक चीज़ याद रखिएगा, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक, नोबेल शांति पुरस्कार, कांग्रेस का गोल्ड मेडल और भारत में भी इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गोगा बिल पश्चिम बिहार अवस्थित है, तो गोगा बिल जो पश्चिम बिहार है वो कटिहार में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसे 1990 में पश्चिम बिहार के रूप में मान्यता मिला था, गोगा बिल पश्चिम बिहार को। कटिहार की बात करते हैं तो ये पूर्णिमा परमंडल का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्रिकेट बैट के लिए बीलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, तो क्रिकेट बैट के लिए जो बीलो लकड़ी है वो प्राप्त होती है शंकु वृक्षी वन से, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं, तो ये होता है उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने से, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक्चुअली होता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो उच्च तापमान का कारण होता है वो होता है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो होती है वो भारत में बहन करती है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जारवा जो जनजाति है वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। निकोबार द्वीप में जारवा के साथ साथ और याद रखिएगा जरना, सेंटलीज, ये सब जनजाति भी निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगर हम बात अरुणाचल प्रदेश की कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा मोपा, डबला, अपतनी, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश से पाई जाती है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम से याद रखिएगा लाखर, पाबो, चकमा, कुकी, ये सब मिजोरम की जनजातियां हैं। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो नागालैंड से याद रखिएगा नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर, ये सब नागालैंड की जनजातियां हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य बताइए, तो देखिए क्षेत्रफल के क्रम की बात करते हैं तब होता है राजस्थान, फिर आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, ऐसे हमारा बढ़ते जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा सबसे ऊपर होगा यूपी, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या से, तो न्यूनतम जनसंख्या है पहले सबसे कम है सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए साक्षरता का क्रम में, तो साक्षरता सबसे ज्यादा है केरल में, उसके बाद है मिजोरम में, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपको एटलीस्ट ऊपर के टॉप थ्री याद रखने होंगे, ज्यादा नहीं टॉप थ्री आपको याद रखने होंगे, क्योंकि टॉप थ्री पूछा जाता है। अब जनरली एग्जाम में पहला ना पूछ के दूसरा पूछा जाता है, तो कम से कम आपको टॉप थ्री याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा जो है वो सबसे निकट है। सुमात्रा से याद रखिएगा ये इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है और ये मलय द्वीप समूहों में यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दंड कारने क्षेत्र अवस्थित है, तो दंड कारने का सिंपल सा समान मतलब क्या होता है। दंड कारने का मतलब होता है दंड देने वाला जंगल। यह प्राचीन भारत का एक क्षेत्र था और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, मेनली ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, लेकिन ये फैला हुआ है तीन स्टेट में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा है ये छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चेन्नई, क्योंकि जो भारत का औसत समुद्र तल है वो चेन्नई से मापा जाता है। औसत समुद्र तल की अगर हम बात करते हैं तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है अधिकतम ज्वार की ऊंचाई प्लस में अधिकतम भाटा की गहराई अपॉन में 2, इससे हम लोग औसत समुद्र तल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, कुछ दर्रे के नाम दिए हुए हैं और एक साइड कुछ स्टेट दिया हुआ है। अगर हम लोग माना और नीति की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड से मैच करेगा, ये उत्तराखंड का दर्रा है, और ये जो दर्रा है इसे याद रखिएगा कि ये जो माना और नीति दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किससे मैच करेगा, नाथुला दर्रा सिक्किम से मैच करेगा, इससे याद रखिएगा नाथुला दर्रा जो है वो प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा था। जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से मैच करेगा, ये जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा की अगर बात करते हैं तो सिपकीला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश से मैच करेगा, और सिपकीला दर्रा से याद रखिएगा ये सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक समान गति में त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए त्वरण होता क्या है, त्वरण हम लोग क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो जब समान गति रहेगा तो वेग परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो जो त्वरण होगा वो समान गति में हमेशा शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। त्वरण से याद रखिएगा, त्वरण जो है वो सदिश राशि है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में से कौन अदिश राशि है। देखिए राशियां यानी क्वांटिटी की हम लोग दो डिवाइड किए हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश और सदिश राशि की बात करते हैं, तो अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर यहां पूछ रहा है अदिश राशि में तो कार्य जो होगा वो अदिश राशि है, क्योंकि बल, मंदन और वेग ये तीनों क्या है, सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जितना आप आगे की ओर फोर्स लगाइएगा वो बॉडी भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी से हम लोग पृथ्वी पर चल पाते हैं। मतलब जब हम लोग पैरों को पृथ्वी के पीछे ढकेलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है विपरीत दिशा में और हम आगे की ओर चल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से कौन प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए तीन लीवर होता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, जो कि प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग होता है। तो प्रथम वर्ग की हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। प्रथम तीन चीज होता है, एक होता है फलक्रम, एक होता है लोड और एक होता है फोर्स। तो प्रथम की बात करते हैं मतलब प्रथम वर्ग के उत्तोलक की बात करते हैं तो फलक्रम जो होगा वो बीच में होगा और लोड और फोर्स किनारे में होगा। द्वितीय की बात करते हैं तो लोड बीच में होगा और फलक्रम और फोर्स किनारे में होगा। तृतीय की बात करिएगा तो फोर्स बीच में होगा और फलक्रम और लोड जो होगा वो किनारों में होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक के एग्जाम्पल हो जाएंगे कैची, प्लेयर्स। द्वितीय वर्ग में आप लोग जैसे बोल सकते हैं नींबू निचोड़ने वाला मशीन, सरौता। तृतीय वर्ग के उदाहरण में हो जाएगा चिमटा, मनुष्य का हाथ, हल, ये सब तृतीय वर्ग के उत्तोलक हो जाएंगे। तो यहाँ प्रथम वर्ग के उत्तोलक पूछ रहा है तो कैंची जो होगा वो प्रथम वर्ग के उत्तोलक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जी का मात्रक क्या है। तो जी क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, कॉन्स्टेंट है, और जी का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है समुद्र समीप सी ब्रिज और स्थल समीप लैंड ब्रिज और मानसून किसका एक उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता क्या है। सी ब्रिज यानी स्थल और स्थल समीर और समुद्र समीर की बात करते हैं तो स्थल समीर का मतलब होता है एक ऐसी पवन जो स्थल से जलीय भाग मतलब जमीन से समुद्र की ओर रात में चलती है, उसको हम लोग स्थल समीर कहते हैं। और समुद्र समीर की बात करते हैं तो जो जल से स्थलीय भाग यानी समुद्र की समुद्र से जमीन की ओर चलती है उसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। और ये है किसका बन, ये जनरली देखिए हम लोग एक पढ़े होंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर की एक एबिलिटी होती है कि वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करता है। तो ये जो होता है वो होता है संवहन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये जे जे थॉमसन सुमेलित है, पॉजिट्रॉन रदरफोर्ड ये सुमेलित नहीं है, ये पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था तो यहाँ हो जाएगा एंडरसन। पाई मेसॉन्स युवा का सही है, प्रोटोन गोल्डस्टीन ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, अगर हम लोग इस की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस 32। इसका प्रयोग जो होगा ये याद रखिएगा, फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है ल्यूकीमिया के उपचार में, बाद बाकी ये तीनों का जो उपयोग होता है ये कैंसर के उपयोग में उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अणु का व्यास होता है। तो अणु का जो व्यास होता है वो 4 एंगस्ट्रम से लेकर 20 एंगस्ट्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इस्पात यानी स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। तो इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 2 से 2.5% से याद रखिएगा ढलवा लोहा में इतना कार्बन की मात्रा होती है, 0.12 से 0.24% से याद रखिएगा पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होती है।
अगर हम बात कार्बन की मात्रा की करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, लोहे में जितना ज़्यादा कार्बन हम लोग मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किसे राइट किसका अयस्क है, तो किसे राइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात सोडियम की करते हैं तो सोडियम से याद रखिएगा चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, ट्रोना, ये सब सोडियम का अयस्क है। अगर बात पोटेशियम की करते हैं तो पोटेशियम से याद रखिएगा कार्नोलाइट, नाइटर, ये पोटेशियम के अयस्क हैं। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम के अयस्क का नाम है जिप्सम, डोलामाइट, कैलेसाइट, ये सब किसका है, कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट क्या होता है, तो कार बैटरी में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात HCl की करते हैं तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, और H2O तो पता ही है आप लोगों को, ये होता है वाटर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो यूरिया जो है वो रक्त से गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात रक्त की करते हैं तो रक्त से याद रखिएगा कि जो रक्त की मात्रा है वो शरीर के भाग का लगभग 7% के बराबर होता है। वयस्क मनुष्य में अगर हम बात करते हैं तो वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। रक्त से एक और चीज़ याद रखिएगा, रक्त एक क्षारीय बिलियन है जिसका पीएच मान होता है 7.4। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रक्त का पीएच मान, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सुमेलित करने के लिए माइकोलॉजी की बात करता है, तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये इसे मैच करेगा। फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को, तो ये इसके साथ मैच करेगा। सबको अगर आप मैच कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कार्लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने क्या द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। अगर हम बात अरस्तु की करते हैं तो अरस्तु से आप लोगों को पता होगा अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। लैमार्क की बात करते हैं तो ये सर्वप्रथम इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग किए थे, ये भी याद रखिएगा कि लैमार्क जो थे वो सर्वप्रथम इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg हो तो इस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा 10 kg, लेकिन 10 kg नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बात यहाँ द्रव्यमान की कर रहा है, भार की नहीं कर रहा है, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 kg। अगर ये बात भार का करता तब हम लोगों को पता है कि जो भार होता है चंद्रमा पर वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तब आंसर हो जाएगा 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78। अगर हम बात 46 की करते हैं तो 46 से याद रखिएगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 64 घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है, और कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है नारियल का खाने योग्य भाग्य कौन सा है, तो नारियल का हम लोग भून पोस्त में खाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। भून पोस्त से एक चीज़ और याद रखिएगा, गेहूं का भी हम लोग भून पोस्त खाते हैं। मध फल भीति से याद रखिएगा, आम का हम लोग मध फल भीति खाते हैं, फल भीति अंगूर, अमरूद, टमाटर, ये सब का फल भीति खाते हैं, और अंत भीति से याद रखिएगा केला का हम लोग अंत भीति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, तो अपचयन अपचयन होती है, उपचयन उपचयन भी होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है। अपचयन उपचयन होता है क्या, अपचयन उपचयन आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। अपचयन होगा ऑक्सीडेशन और उपचयन होगा ऑक्सीडेशन और अपचयन होगा रिडक्शन। अगर हम अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन में सिंपल सा होता क्या है कि एच जो हाइड्रोजन है उसका योग होगा और ऑक्सीजन का नाश होगा। अगर हम लोग अपचयन यानी रिडक्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का नाश होगा। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से आप लोगों को पता होगा 6CO2 + 12H2O = होता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ठीक है, यही होता है। यहाँ क्या देखिए, यहाँ जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में हो रहा है, तो यहाँ अपचयन रिएक्शन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है वो संकरा के निर्माण में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन और उपचयन दोनों हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से कौन फुफुन द्वारा होने वाली रोग नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, तो फुफुन द्वारा जो रोग नहीं होने वाली है वो है कालाजार। कालाजार जो है वो परिजीवी के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी दम्मा, गंजापान, एथलीट फूड, ये सब किसके कारण होता है, फुफुन के द्वारा। फुफुन के द्वारा और याद रखिएगा खाज, दाद,
ये भी किसके कारण होता है, फफूंद के ही द्वारा होता है। कभी कभी वायरस से पूछ लिया जाता है विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो विषाणु से याद रखिएगा एड्स होगा, पोलियो होगा, चेचक होगा, खसरा होगा, ये सारा चीज किसके कारण होगा, वायरस के कारण होगा। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए लास्ट में क्वेश्चन आता था क्वेश्चन नंबर 80 के बाद, तो मैं तो स्किप कर देता था क्योंकि जनरली उतना टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू है, सुबह सुबह मैं आप लोगों को सेट करवाता हूँ, उसके बाद मैं 10 to 6 फ्री नहीं रहता हूँ, तो इसके कारण टाइमिंग का भी थोड़ा इशू है। लेकिन अभी इस सेट में बीच में क्वेश्चंस आ जा रहे हैं मैथ्स के, तो मैं स्किप नहीं करूंगा क्योंकि बीच में है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक ओवरव्यू, आप लोग आप उसके सहायता से खुद कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 5 पुस्तक ए बी सी डी ई एक मेज पर रखिए, ए को ई के, यदि ए को ई के नीचे रखा गया है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो ए है वो ई के नीचे है, ठीक है, यही कह रहा है पहला लाइन। फिर कह रहा है सी को डी के ऊपर रखा गया है, सी जो है उसको डी के ऊपर रखा गया है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है बी को ए के नीचे रखा गया है, यहाँ है यानी बी कुछ ऐसा रखा जाएगा, तथा डी को ई के ऊपर रखा गया है, और डी ई से ऊपर आ जाएगा, और डी जब यहाँ आ जाएगा तो सी यहाँ आ जाएगा, तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, तो मेज के तल को स्पर्श कर रही है बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है तथा नीचे से 51वां है, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए अगर कभी भी ये ऑर्डर एंड रैंकिंग एक रीजनिंग में आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे उसका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि अगर किसी भी इंसान का दोनों साइड से रैंकिंग दिया हुआ जाए, ऊपर से नीचे से या फिर लेफ्ट और राइट दोनों एक ही चीज़ है, कहीं से भी दिया रहे दोनों साइड से रैंकिंग, तो कुछ करना नहीं होता है, उसका पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड पोजिशन फ्रॉम राइट एंड दोनों को जोड़ के उसमें से 1 माइनस कर देना होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाता है। तो यहां 27 और 51 दिया हुआ है, तो 27 प्लस में 51 माइनस में 1 तो हो जाएगा 77, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ये वॉट वाले सिंबल पे क्या आएगा ये सोचना है। देखिए तो जे के बाद अगर हम दो प्लस करते हैं, तीन प्लस करते हैं तो एम आ जाएगा, एम के बाद तीन प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, और इसी तरह से पी के बाद तीन प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा। तो अब यहां से तो दो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बी और डी तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एस आएगा। अब बात कर लेते हैं ए और बी में। देखिए बी में अगर हम 2 माइनस करेंगे तब टी आएगा, टी में 2 माइनस करेंगे तो आर आएगा, और आर में 2 माइनस करेंगे तो पी आएगा, और तो यह जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस पी जी जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें से आपको रॉन्ग वन आउट फाइंड करना है। देखिए ये जो सीरीज दिया हुआ है ये इस अकॉर्डिंग चल रहा है, एक का गैप करके 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अब 9 हो जाएगा, यहाँ +2 +2 का गैप हो रहा है। अगर हम बात कर लें यहाँ देखिए 16 है, 32 है और 64 है, यहाँ (2)(2)(2) हो रहा है, तो 16 यहाँ 4 ना होके यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे व्हाट सिंबल पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाइड किया है और 2 से डिवाइड किया तो 15 लिख दिया, 4 और 5 को मल्टीप्लाइड करके 20 आएगा और 2 से डिवाइड करके 10 लिख दिया है, और 6 और 7 को मल्टीप्लाइड करके 42 आएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से तो आंसर आ जाएगा 21, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व संगीता की माँ की उम्र संगीता के उम्र की त्रिगुनी थी, 5 वर्ष बाद वह संगीता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो संगीता की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 5 वर्ष पूर्व अगर मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व संगीता की जो उम्र थी वो एक्स वर्ष थी, तो 5 वर्ष पूर्व संगीता की माँ की उम्र कितनी होगी, 3 गुनी होगी, तो यानी 3x हो जाएगी। अब संगीता की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं तो ये तो 5 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान युग हो जाएगा इसका x प्लस 5 और उसकी माँ का हो जाएगा कितना 3x प्लस 5, और कह रहा है कि वर्तमान में वो कितनी है 2 गुनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन अगर बना लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 प्लस 5, यहाँ से x को सॉल्व कर दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, इसके बाद इसे काटकर 1 सेंटीमीटर आकार वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है, तो कितने ऐसे घन होंगे जिनके 2 सतह रंगे हुए होंगे। तो देखिए हम लोग अगर बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो सिर्फ कॉर्नर ही जो उसका होगा वो उसके 3 सतह दिखाई देते हैं, अब तो कॉर्नर की जो संख्या होगी वो हो जाती है 8, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ कुछ किया हुआ नहीं है, 2 संख्या दिया हुआ है हर एक में,
तो जो छोटा वाला है उसको स्क्वायर किया हुआ है, दो और तीन में जो छोटा वाला है उसको स्क्वायर किया हुआ है, मतलब टू का स्क्वायर किया है और बड़ा वाला डिजिट को उसमें ऐड कर दिया है तो हो जाएगा सेवन। यहाँ देखिए जैसे 15 और 6 है तो छोटा वाला 6 को स्क्वायर किया है और प्लस 15 को ऐड कर दिया है तब आ गया 51। इसी तरह से यहाँ देखिए 12 और 13 में 12 छोटा है तो 12 को स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में 13 ऐड कर दीजिए तो 144 प्लस में 13 यानी 157 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है टेन ए इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है तो ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो दिया हुआ है इक्वेशन वो क्या है 5 sin a - 3 cos a और अपॉन में 5 sin a + 2 cos a। देखिए तो cos a से दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो इधर तो ये cos a से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin/cos, यहाँ हो जाएगा sin/cos। तो इसको हम लोग लिख दे सकते हैं 5 tan a और इधर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा और इधर हम लोग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 tan a + 2। अब tan a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 4/5 तो सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यदि वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो आप लोग एक फार्मूला भी पढ़े होंगे a + b (ab/100), यहाँ क्या है कम हो रहा है तो माइनस होगा तो -a - b यानी -20 - 20 + 20 × 20/100। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तब आंसर आ जाएगा 36%। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 5 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए जबकि प्रत्येक ईंट। देखिए ये मीटर मीटर में जो है वो सबको अलग अलग यूनिट में है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए तब आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 800 × 22.5 × 600 और अपॉन में 25 × 6 × 11.25। इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तब आ जाएगा नंबर ऑफ ईटे जो कि आएगा 6400 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और ये स्ट्रेट एंगल होगा तो ये 110 दिया हुआ है तो ये तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये जब 30 + 70 + x मतलब 30 डिग्री + 70 डिग्री + x = हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू होगी वो आप निकाल लीजिएगा तब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 60 इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने का एक बहुत बड़ा अच्छा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये एक चार डिजिट याद रखिए 0, 1, 5, और 6। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 7 है ना, 3, 5 देखिए 3, 5, 2, 7 है और इसके पावर में 6, 5, 4 है तो यहाँ पे ये 7 है तो 7 का नहीं। अगर 0, 1, 5, और 6 ये चारों रहता तो यही चारों इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता, मतलब 0 रहता तो लास्ट डिजिट उसका हमेशा 0 आएगा चाहे पावर कुछ भी रहे, 1 रहेगा तो भी पावर कुछ भी रहे आंसर आँख मुन के 1 टिक लगा दीजिएगा, 1, 5, और 6 मतलब 0, 1, 5, 6 लास्ट डिजिट रहे और उसके पावर में कुछ भी लिखा रहे तो आंसर वही हो जाएगा जो 0, 1, या 5, या 6 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि 0, 1, 5, 6 को छोड़कर जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है लास्ट डिजिट तो 7 रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो 7 रहेगा तो हम लोग पावर में जो अंक दिया हुआ है 645 इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 4, 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा 24, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 4 आएगा ऊपर से तो 3 टाइम्स जाएगा 14, ये नीचे बचेगा रिमाइंडर 2। जो रिमाइंडर जितना भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर लास्ट वाले डिजिट के पावर में बैठा देंगे। अब 7 वाले डिजिट के पावर में हम लोग क्या बैठा दिए 2 बैठा दिए तो 7 वाले डिजिट के पावर में बैठा दिए 2 यानी कि आ जाएगा 49। तो हमारा जो 9 होगा वो हमारा सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा 4 के बाद जो होता है वो नंबर रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 3 × 3 × 3 × 3 ये 4 बार हो गया, 5वां बार वो नंबर खुद ब खुद रिटर्न आ जाता है इसीलिए हम लोग 4 से उसको भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है तो ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है तो बी की आय क्या होगी। देखिए तो 8, 9 और 20 ये तो रेशियो दिया हुआ है,
अब ये खर्च अगर 75% खर्च करते हैं तो बचाता कितना है? ए 20% बचाता होगा, बी जो है वो 15% बचाता होगा, और सी जो है वो 25% बचाता होगा। और इसी की तो वैल्यू दी हुई है 8, 9 और 20 कितना बचाता है। तो जब 20% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 40, 9% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 60, और 20% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 80। यानी उन तीनों के आय का अनुपात है 40:60:80। यहाँ अब ये तीनों का आय का अनुपात है और ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो बी की आय यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। मतलब 80x-40x यानी 40 रेशियो के बराबर दिया हुआ है 18,000, तो एक रेशियो के बराबर हो जाएगा 450। तो बी की आय है 60 रेशियो, तो 450 में 60 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तब आ जाएगा 27,000। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना है। अभी तक आप लोग एक इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो ये है कि सबको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आएगा, और पॉइंट के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा पॉइंट देखने के बाद बड़ा और छोटा। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा ट्रिक है, देखिए थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्चुअल है, मेरे पास लिखने का जो सोर्स है वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं सही से नहीं लिख पाता हूँ, और तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट रहिए। जो हमारा भिन्न बड़ा और छोटा पता करना है, देखिए कोई भी जो फ्रैक्शन होगा वो तो दो ही केस हो सकता है, या तो उसका भिन्न का जो डिफरेंस होगा वो तो बराबर होगा या तो फिर बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ 15 और 16 दिया हुआ है, एक का डिफरेंस है, 19 और 20 यहाँ भी एक का डिफरेंस है, 24, 25 यहाँ भी एक का डिफरेंस है, 34, 35 यहाँ भी एक का डिफरेंस है। जहाँ आप लोगों को ऐसा भिन्न मिले कि जो सब भिन्न में सिर्फ और सिर्फ बराबर का डिफरेंस हो, मतलब या तो एक या दो या तीन या चार जितने का भी, लेकिन मतलब चारों पाँचों जो भी जितना भिन्न दिया हुआ है सब में अगर बराबर का डिफरेंस रहेगा तो आँख मुन के कर दीजिएगा कि जिसका अंश बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ा होगी और जिसका अंश छोटा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो यहाँ बराबर है और सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे छोटा अंश है 15 का, तो आंसर हो जाएगा 15/16 जो है वो हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कुछ मिठाइयाँ जो है वो 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली, तो बताइए कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई है। मान लीजिए कि मिठाइयों की कुल संख्या एक्स थी, तो कितना 140 बच्चा है, ठीक है, इसको अगर एक्स मिठाई मिलता है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं 35 बच्चे गैप है, तो 175 में से आप माइनस कर दीजिएगा तो 140 बचेगा, और टोटल कितना था, टोटल ये मतलब कि सॉरी एक्स मिठाई बचा हुआ, एक्स मिठाई टोटल है, तो इसको 140 बच्चा में अगर बांटते हैं और एक्स मिठाई अगर 175 बच्चे में बांटते हैं तो 4 का डिफरेंस आता है। इसको सॉल्व कर दीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2800। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 3810 रुपये का प्रश्न यहाँ नहीं होगा, 3810 रुपये का प्रिंसिपल होगा, जो 16/2/3 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण के 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एक फार्मूला समझ लीजिए। एक फार्मूला होता है किस्त निकालने का, वो होता है P=किस्त। अब इसके बाद पहले तो इसको देखिए, जो भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझिए, जो भी मतलब आप लोगों को रेट दिया हुआ होगा, यहाँ रेट दिया हुआ है 16/2/3%, तो 16/2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तब हो जाएगा कितना 50/3%, और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तब आ जाएगा 1/6। यहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि जब ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इस 1/6 में क्या हो जाएगा, ये जो एक होगा ब्याज की बात कर रहा है तो बढ़ेगा, मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 7/6 तो निकाल लिए, अब P बराबर फार्मूला होता है कि किस्त और ये जो 7/6 आया इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 6/7। अब 3 किस्त में बांटना है ना, तो 6/7 का पावर 1 प्लस में 6/7 का पावर 2 और प्लस में 6/7 के पावर 3, अगर 4 रहता तो 6/7 के पावर 4 भी कर देते, और ये किस्त की जगह पे x मान लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 1715। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे आसान तरीका क्या बताता हूँ कि जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 16/2/3% रेशियो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम लोग कितना ले आए, इसको सॉल्व करके ले आए 1/6 इसको फ्रैक्शन भाग में। अब ये एक प्लस होगा तो हमारा आ गया 7/6। अब ये जो ऊपर वाला भाग है, जो मतलब अंश है, इस अंश से आप सारे ऑप्शन को भाग दे के देखिएगा। यहाँ 7 है, सारे ऑप्शन को आप 7 से भाग दे के देखिएगा, जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा, 7 से नहीं कटेगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ये सबसे
सबसे आसान तरीका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस 7 से भाग दीजिएगा, जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि अगर दो ऑप्शन 7 से कट जाए तो दो ऑप्शन 7 से कट जाएगा या जो भी नंबर होगा उससे कट जाएगा, तो उस दोनों ऑप्शन में उस जैसे 7 है तो फिर 49 से काट के देखिएगा कौन कट रहा है, तो जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझिए, एक सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। टोटल 31 छात्र हैं जिनका भार औसत दिया हुआ है 30 किलोग्राम, एक 32वां जो आ जाता है वो टीचर आ जाता है और 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो ये 31 बच्चे में और ये जो 32वां टीचर है सब में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जब 32 लोग में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी यानी 16 केजी बढ़ जाएगा और ये 30 केजी तो पहले से ही था, तो 30 प्लस 16 यानी 46 केजी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या इस क्वेश्चन का एक मेथड होगा कि आप लोग पहले इसको 31 में 30 से मल्टीप्लाइड कीजिए, फिर 32 में 30.5 से 30.5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, फिर दोनों को माइनस कीजिए, तब आप जो रेशियो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM का योग दिया हुआ है 592 और 580, यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 296 दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, अगर आप इसको पहले तो ऑप्शन से चेक कीजिए क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, तो ऑप्शन से अगर आप चेक कर लीजिएगा तो 296 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी को दोनों संख्याओं का योग जो है कितना दिया हुआ है 296 दिया हुआ है। तो 296 कौन ऑप्शंस में आता है ये आप चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन में अगर 296 आएगा वही दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। या तो फिर आपके पास ऑप्शन है, क्या है आपके पास ऑप्शन है कि LCM और HCF दिया हुआ है, दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा 592 और दोनों को माइनस करने के बाद कितना दिया हुआ है 518 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, यहाँ से LCM और HCF निकाल लीजिएगा आप दोनों का। अब LCM और HCF निकाल लीजिएगा तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे LCM इंटू में HCF इंटू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, तो यहाँ से फिर आपको x प्लस y की वैल्यू निकल जाएगी और xy निकल जाएगा और फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इनमें से 10% खराब हो जाते हैं तो शेष चावल वो किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए मान लीजिए कि वो आदमी है जो 10 किलो चावल खरीदता है, ठीक है, तो 75 रुपये के हिसाब से अगर 10 किलो खरीदता है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 750 रुपये होगा, लेकिन 10% खराब निकल जाता है यानी 10 का आप 10% निकालिएगा तो एक होगा, तो अब उसके पास जो अच्छा चावल है वो 9 केजी मात्र बचा हुआ है। अब वो इस 9 केजी को कितना बेचेगी, तो ये 750 पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 750 पे जब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तब यहाँ से आ जाएगा 900 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और 9 किलो है तो देखिए वो 100 रुपीज़ पर केजी बेचेगा तो उसका आंसर वो जो होगा वो 20% लाभ प्राप्त कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। देखिए ये टाइम एंड वर्क का और अल्टरनेट का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा मैथ्स में, तो टाइम एंड वर्क का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप जाके उसे देख लीजिए क्योंकि आपका एक नंबर वो एक वीडियो आपको पूरा देके चला जाएगा, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए होगा क्या, ए 7 दिन में करता है और बी जो है वो 8 दिन में करता है। टोटल काम निकालने के लिए हम लोग LCM ले लेते हैं तो 56 जो है वो टोटल काम है और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 8 और 7 हो जाएगी। अब अल्टरनेट काम करता है तो पहला दिन ए आएगा, ए स्टार्ट कर रहा है, फिर बी आएगा, यानी ए पहला दिन 8 काम करके चला जाएगा, दूसरा दिन बी आएगा तो 7 काम करके चला जाएगा, तो यानी 2 दिन में 15 काम खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस 15 को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 6 दिन में कितने काम खत्म हो जाएंगे, 2 दिन में 15 काम खत्म हो रहे हैं तो 6 दिन में तो 45 काम खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना, 45 काम के बाद बच जाएगा आपके पास जो काम होगा वो बच जाएगा 11। सातवें दिन कौन आएगा, सातवें दिन ए आएगा और 8 काम करके चला जाएगा। अब बचेगा कितना, 3 काम, तो 3 काम ये कौन करेगा, बी करेगा जो सातवें दिन आएगा, तो 6+1 और प्लस में 3/7 यानी आंसर हो जाएगा 7 3/7 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए तो ये मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और डिटेल में बना लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए झूमर की बात कर रहा है तो झूमर जो है वो हरियाणा से सुमेलित है, मुकना जो है वो मणिपुर से सुमेलित है, थाली हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, कोरकू जो है वो राजस्थान का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है।
हरियाणा से मणिपुर से और याद रखिएगा, मणिपुर का और भी कुछ नृत्य है लोक नृत्य, जैसे हो गया रखाल, नटरास, महारास। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा छपेली, चंबा, नटी। राजस्थान से याद रखिएगा झूमर, पनिहारी, नेजा, ये सभी इन स्टेट के लोक नृत्य हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सुमेलित है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल सही है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश, ये गलत है क्योंकि मरीन जो है वो गुजरात में है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए कर्नाटक के कुछ और याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि नागरहोल हो गया, कुड्रुमुख हो गया, तुंगभद्रा हो गया। पश्चिम बंगाल के याद रखिएगा सुंदरबन, गोरुबारा, नियोरा वैली। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, सिमलबरा, इंद्र किला। महाराष्ट्र से याद रखिएगा तबोडा, बोरीबिली, तंसा, नवगांव। गुजरात से याद रखिएगा गिर, ब्लैक बुक, बसंदा, ये सारे आप लोगों को याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, और ठीक एक साल बाद 1980 में फिर उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1979, यानी ऑप्शन नंबर सी। मदर टेरेसा से एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 1972 में, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1972 में हुआ था किसका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की। अगर हम 1976 की बात करते हैं तो 1976 से याद रखिएगा 1976 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1980 से याद रखिएगा 1980 में वन सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो है आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है मजलिस किस देश की संसद का नाम है। तो मजलिस जो है वो ईरान का भी है और मालदीव का भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और सी दोनों। बांग्लादेश की अगर संसद की बात करते हैं तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। कुछ और कंट्रीज के भी संसद के नाम आप लोग को याद रखने होंगे, जैसे यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जापान के संसद को डायट कहा जाता है, फ्रांस और पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन और कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम दिए हुए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करता है तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी की बात करते हैं तो ये 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1986 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक इसके बाद अगर 1914 के मद्रास अधिवेशन की बात करते हैं तो 1914 का जो मद्रास अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भूपेंद्रनाथ बासु के द्वारा किया गया था। 1906 की कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता, और इसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1922 के गया अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है राजाराम मोहन राय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की निम्न में से उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई थी। तो देखिए आत्मीय सभा की बात करते हैं तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजाराम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था, तो ये तो नहीं होगा। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। जाति निर्धारण सभा उनके द्वारा नहीं किया गया था, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजाराम मोहन राय से याद रखिएगा उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस 1820 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, हिंदू कॉलेज 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है
कि हिंदू विधवा पुनर्व विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद विद्यासागर का प्रयास था, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा, शारदा एक्ट में बालकों के लिए 14 एवं बालिकाओं के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये गलत है, क्योंकि जो शारदा एक्ट आया था उसमें विवाह की जो आयु थी वो बालिकों के लिए 18 वर्ष किया गया था, बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, ब्रिटिश शासन में प्रथम बार समान बजट से रेल बजट को कब अलग किया गया, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत एक वर्ष समिति, याद रखिएगा एक वर्ष समिति की सिफारिश पर समान बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से याद रखिएगा इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की अगर बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा भारतीय इससे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, बजट पर बहस तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से। अगर भारत परिषद अधिनियम 1919 की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा कि यह इसको मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, केंद्र में द्विसत्तात्मक विधायिका की स्थापना इसी से किया गया था, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी से किया गया था और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग भी कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही। 1909 के अधिनियम की बात करते हैं तो इससे जो सबसे ज़्यादा है वो है इसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है और पहली बार मुस्लिमों समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का ये किया गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो भारत माता सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो हैं जतिन मोहन चटर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जनरली जो भारत माता सोसाइटी है वो जतिन मोहन चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अंबा के सबने मिलकर किया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जतिन मोहन चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो फोर्ट विलियम जो है वो किया गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको सही आंसर होगा। इससे लेकिन याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना तो कर दिया था नागरिक सेवा में युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि इस पर जो व्यय था, खर्च था, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि इसके कारण फिर इसको बंद कर दिया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। लॉर्ड बेलेजली से और चीज़ें याद रखिएगा, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी और ये स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। लॉर्ड कॉर्निवाल्स की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्निवाल्स से याद रखिएगा इसको नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कीजिएगा तो इससे याद रखिएगा इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापित किया था और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की अगर बात करते हैं तो इसे याद रखिएगा इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करने के लिए, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के साथ मैच करेगा, अभी हम लोग पढ़े ही। व्यापक सिद्धांत संधि की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी के साथ मैच करेगा। अमृतसर संधि की बात करते हैं तो ये लॉर्ड मिंटो के साथ मैच करेगा और लाहौर संधि जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं किया गया, तो देखिए बंगाल का भी लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल था कब से कब, इसका शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक, तो बंगाल विभाजन 1905 इसी का शासनकाल में हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसी के शासनकाल में हुआ है, पुलिस आयोग इसी के शासनकाल में हुआ है, लेकिन भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है वो इसके शासनकाल में नहीं हुआ है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण जो है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ है जो कि था 1869 से लेके 1872 और 1872 में क्या हुआ, प्रथम जनगणना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्न में से घटना कालक्रम में सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसको देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में, नेहरू रिपोर्ट हुआ 1928 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, तो प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुष्पगुप्त सौराष्ट्र एवं मालवा की देखभाल करता था, जो पुष्पगुप्त था वो सौराष्ट्र और मालवा की देखभाल करता था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर गिरनार पर्वत पर यह सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है ऋग वैदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दसों राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किन काबिलों के मध्य लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत एवं पुरु के बीच ये लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श भाग सतमें बजते मुंडोकोपनिषद निषद से लिया गया है। मुंडोकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अथर्ववेद का है। देखिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है 108, महापुराण की कितनी है 18, वेदांग की कितनी है 06। मुंडोकोपनिषद से याद चीज रखिएगा इसकी जो यज्ञ है उसकी। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थांकर कौन थे। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा प्रथम ऐतिहासिक, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रथम तीर्थांकर पूछेगा जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे तब तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, लेकिन यहाँ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थांकर पूछ रहा है जो बोला जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थांकर को जो कि थे पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, और यही पार्श्वनाथ ने जो थे वो चार महाव्रतों का प्रतिपादन किया था जो था अहिंसा सत्य अपरिग्रह और अस्ते, और टोटल पांच महाव्रत है का प्रतिपादन किया गया है जैन धर्म में, और पांचवा जो है वो है ब्रह्मचर्य, वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने कभी राजमार्ग की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोद वर्ष के द्वारा कभी राजमार्ग की रचना की गई है। ये कौन था, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगर हम बात महावीर राजचार्ज की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा ये गणित सार संग्रह की रचना की थी। क्रिस प्रथम से याद रखिएगा इन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और ध्रुव से याद रखिएगा इसको धरा वर्ष भी कहा जाता है, और ये राष्ट्रकूट का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक एवं संबंधित विषय का सही मिलान है। देखिए सुदपिटक की बात कर रहा है तो ये बौद्ध भक्तों की दार्शनिक व्यवस्था, ये गलत है। सुदपिटक जो है उसका बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन, ये सही है। और अभिधम्म पिटक की बात कर रहा है तो बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह, ये गलत है। ये जो है वो सुदपिटक में है, और अभिधम्म पिटक में है बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास ये कब प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में सबसे पहली बार यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यूएनडीपी से याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगर हम बात एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कर लेते हैं तो एचडीआई का विकास किया गया था सबसे पहले एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था जिसका नाम था महबूब उल हक, इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जब किसी मुद्रा के मूल में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास किया जाए तो ये क्या है। तो ये क्या है, अवमूलन है, मुद्रा का अवमूलन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2007 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। देखिए मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसके दो क्वांटिटीज होते हैं, एक को हम लोग क्वांटिटिव क्वालिटीज बोलते हैं और एक को क्वालिटी बोलते हैं। क्वांटिटिव और क्वालिटिव दो होते हैं मतलब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं कौन नहीं है। तो खुले बाजार की क्रिया जो है वो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, ये मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। क्लियर है, ये क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है महमूद गजनबी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था, यह आक्रमण कौन सा अभियान था। तो सोमनाथ के जो मंदिर पर वो आक्रमण किया था वो था
सोलहवां आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ये किया था उसने 1025 में। और सत्रह बार आक्रमण किया था, सत्रहवां आक्रमण जो 1027 में हुआ था वो जाटों के विरुद्ध था और यही उसका अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनबी से याद रखिएगा, ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम बादशाह था, ठीक है। और अगर महमूद गजनबी से एक और चीज़ याद रखिएगा, आप लोग अलबुरूनी, फिरदौसी, फरूखी, ये सब महमूद गजनबी के ही दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, कब किया था? 1206 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है? ऐबक का राजाभिषेक लाहौर में हुआ था, सही है। इतिहासकार मिनहाज ने उसे हातिम द्वितीय कहा, यह भी सही है। ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुदान का निर्माण प्रारंभ करवाया था, यह भी सही है। ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यह गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है, ना कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? एक चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में वो घोड़े से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है ग्यासुद्दीन बलबल ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, इस नीति का क्या अर्थ था? तो लौह एवं रक्त की नीति का मेन अर्थ था कि विद्रोहियों की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, इसने नगद वेदन और अस्थायी सेना की शुरुआत की थी, इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का परंपरा चलाया था। साथ ही साथ इससे याद रखिएगा, इसने अलाई दरवाजा, सीढ़ी का किला और हजार खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था खालसा भूमि। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जनरली मुगल काल की बात करते हैं तो भूमि को तीन वर्गों में विभक्त किया गया था। एक है खालसा भूमि, जिसकी जो आय थी वो सीधे शाही कोष में जाती थी। दूसरा था जागीर भूमि, जो कर्मचारियों के वेतन के बदले था। और तीसरा था सयुर्गल भूमि, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को अनुदान के रूप में दिया जाता था। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों के मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।